अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रात हम बहुत लेट पहुंचे थे होटल। बड़े ढूंढने के बाद हमें ये एक होटल मिला है यहाँ पर बैतुल ग्वादर। मैं आपको रूम दिखाता हूँ। रूम था बहुत मज़े की नींद आई। यह हमें 3000 रुपये पर रूम पड़ा, ठीक है। वॉशरूम भी अच्छा साफ था। अब हम निकलने लगे हैं आगे, यहाँ कुछ देखेंगे ग्वादर में कुछ पॉइंट्स और आपको भी दिखाएंगे। हम पहुंच चुके हैं क्रिकेट स्टेडियम ग्वादर। ये हमारी टीम फिर रही है। चार सौ मीटर का
काफ़ी होटल है यहाँ पर, जो ग्वादर का पीस भी पार्क आपको दिख रहा है यहाँ। इस वक्त हमें ग्वादर में, और ग्वादर का पॉइंट है ये सनसेट पॉइंट, मतलब इस वक्त तो सनसेट नहीं है लेकिन पॉइंट सनसेट है। और ये बड़ा खूबसूरत जगह है, बिल्कुल समझ लें पाकिस्तान का एक कोना है इसके बाद पाकिस्तान में, बिल्कुल लास्ट कहते हैं लोग रात में यहाँ पर सामने से ओमान की लाइटें दिखती हैं कोई थी। मस्कत की रहने थी। क्या खूबसूरत है, क्या नज़ारा है, क्या सुकून है।
11:30 पौने 3 के निकले हैं ग्वादर से और पौने 12 का टाइम तकरीबन होने वाला है जारी प्रेस में पे मतलब कि तब जमा जमा है अहमद से पूछते हैं अहमद भाई हमारे गए थे ग्वादर इनकी राय पूछते हैं अहमद भाई जी जैसे क्या राय देंगे आप व्यूअर्स को ग्वादर के बारे में कैसा लगा आपको ग्वादर डिपेंड करता है कि इंसान को क्या पसंद है ग्वादर एक खुश इलाका है ठीक है ग्रीनरी दी है वहाँ पर आप आपके तो क्या मतलब तो अपनी बात करूँ तो मुझे तो ग्रीनरी पसंद है तो ग्वादर को मैं उतना अच्छा रेट नहीं मतलब आप नॉर्थ की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे हाँ जी नॉर्थ की तरफ मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा जाना और यहाँ की दूसरे मेहमान नवाजी के बारे में यहाँ के खाने के बारे में क्या कहेंगे कुछ उन्हें मेहमान नवाजी के बारे में इतना कुछ अच्छे तरीके से जानते नहीं है खाने का टेस्ट नहीं है मतलब आप रिकमेंड करेंगे खाना आपके साथ लेके जाए यहाँ पे वहाँ पर खाने की कोई सहूलत नहीं है नहीं हाँ कोई अच्छा होटल नहीं है अच्छा होटल नहीं है तो आप मायूस हो वहाँ जाके नहीं नहीं मायूस नहीं हुआ तो अदर वेल डेवलप्ड है अच्छा बना हुआ है अच्छा शहर है साफ सुथरा चले आप भाई अहमद की आपने राय सुनी आप तो पूरा ग्राउंड आ गया ना